हेलो कॉन्ट्रोवर्सी, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में एंड एक और नई कॉन्ट्रोवर्सी जो हम कवर करने वाले हैं आज। एंड आज हम बजाने वाले हैं सिक्स लेस की। आप सभी को पता होगा ये जो है ये दूसरा आईबीई है। अगर आपको आईबीई के बारे में पता नहीं होगा तो मेरे चैनल पर कहीं जाकर सर्च कर लेना, मिल जाएगा आईबीई का लोडर लाइसेंस जो भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर जाके कहीं ना कहीं आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो आईबीई भी एक ऐसा बंदा था जो पहले इंडियन सब्सक्राइबर्स गेन करता है एंड उसके बाद जो है इंडिया एंड इंडियन प्लेयर्स के बारे में उल्टा सिल्टा बोलता है। एंड आज उसका चैनल जाके देख लो, लगी पड़ी है, ठीक है। अब अगर आपको सिक्स लेग्स के बारे में पता नहीं है तो सिक्स लेग्स पीस लगभग सिक्स लेग पीस, वाह, हाँ ठीक है, जो लेग पीस है वो भी लगभग सेम ही है, ठीक है। उसने भी पहले काम क्या कर रहा था मालूम है, जितने भी बड़े स्ट्रीमर्स हैं, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, एनए का प्लेयर है ऑफकोर्स, एंड सबके पास सबके चैनल पर जाने का, मोर्टल हो गया, एट बीट हो गया, स्काउट हो गया, एंटिटी हो गया, जोनाथन हो गया, इवन, ठीक है, सिर्फ इतना नहीं, अगर आपको पता होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि कोई प्लेयर नहीं है वो सिर्फ न्यूज डालता है, आप जाके देखोगे उसके कमेंट सेक्शन में जो है वो जाके कमेंट करता था, ठीक है। द रीजन वेरी सिंपल कि उसको जो है पता है कि इंडियन जो ऑडियंस है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है, एंड अगर उसको इंडियन ऑडियंस मिलेगा तो उसको व्यूज एंड साथ में जो उसको सब्सक्राइबर्स गेन है वो भी पड़ जाएगा बहुत ही ज़्यादा, जो कि एक्चुअली हुआ, बिकॉज बाकी सब ने जो है उसको सपोर्ट किया, जितने भी बड़े स्ट्रीमर्स थे उन लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया ये सोच के कि बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया इंसान है, बढ़िया आदमी है, एंड वी नीड टू सपोर्ट, बिकॉज हम इंडियंस सब ऐसे ही है कि हमको जब भी लगता है कोई बंदा अच्छा है, अब हम अंदर झांक के तो देखते हैं नहीं कि बंदा सही है कि गलत है, बट जब भी हमको लगता है कि हाँ बंदा सामने से सब कुछ सही कर रहा है तो हम उसको अच्छा ही बोलते हैं, हम उसको बुरा कभी भी नहीं बोलते, ठीक है। तो यही हो गया सीन कि सबने उसको अच्छा अच्छा बोला, सबने उसको प्रमोशन मिल गया, एंड आज जो है उसका चैनल 50 के क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी, एंड मेरा चैनल अभी तक 44 पे है। कोरोना ओके तो भाई देखो, इतना कुछ होने के बाद, ठीक है, कल एक वो ट्वीट करता है, फिर वो इंस्टाग्राम स्टोरीज डालता है, लाइक लिटरली इंडियंस एंड सोल को टीज करते हुए वो एक इंस्टाग्राम स्टोरीज डालता है। मैं अब आपको वो इंस्टाग्राम स्टोरी से कुछ क्लिप्स मेरे पास आए हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। बाकी के जो है अभी जो रिसेंटली उसने इंस्टाग्राम स्टोरीज डिलीट कर दिया, जब उसको बैकलैश मिला, जब उसको बहुत सारे हेट मिलने चालू हुए तो जो इंस्टाग्राम स्टोरी था वो उसने डिलीट कर दिया है, बट हमारे जासूस ने पूरा कैप्चर कर लिया था। तो जितने भी कैप्चर करे हैं, जो जो सवाल है, जो जो उसने पॉइंट्स लिखे हैं, हम एक एक करके उसकी बात करते हैं। ओके, उसका पहला पॉइंट था, सिंस ऑल इंडियंस हेट मी ऑलरेडी, लेट मी जस्ट टेल ऑल ऑफ यू द ट्रुथ दैट ऑल द अदर रीजंस थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ एक्चुअली थिंक ओके, मतलब बोल रहा है कि इंडियंस के बारे में जो भी बाकी के रीजन सोचते हैं मैं उसके बारे में बात करता हूँ, चलेगा आपको, मेरे को चलेगा, आई एम फाइन विथ इट, मैं दौड़ेगा तो चला। दूसरा पॉइंट बोलता है, स्काउट जोनाथन एंड दलजीत आर द ओनली इंडियन प्लेयर्स हु कैन कम्पीट एट वर्ल्ड लेवल, द रेस्ट ऑफ देम जस्ट चोक एंड कांट डू एनीथिंग। तो इसके कहने के हिसाब से सिर्फ स्काउट जोनाथन एंड दलजीत जो है वो शायद से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, एंड बाकी जितने भी है वो नल्ले हैं, लाइक नूब है। आई टोटली अग्री विथ इट कि भाई स्काउट जोनाथन एंड दलजीत अच्छे प्लेयर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं इंडिया के, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो नल्ले हैं या फिर वो लोग चौक करते हैं हमेशा। दे आर ऑल्सो द गुड प्लेयर, वो लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितने साथ से स्काउट करता है या जोनाथन या फिर दलजीत करता है, राइट हाँ, उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर ये तीनों प्लेयर्स हैं, एंड थोड़ा बहुत मैं इस चीज़ को लेकर जो है एग्री करूँगा, बट ये कहना कि सिर्फ ये तीनों ही अच्छे हैं बाकी सब बकवास है, ये मेरे को गलत लगा यहाँ पे। ओके सो गाइस, यहाँ पे उसने लिखा है, फनाटिक एंड एनटीटी आर द ओनली टीम्स हु कैन डू एनीथिंग एट द ग्लोबल लेवल, द रेस्ट ऑफ देम जस्ट गेट 12th प्लेस एवरी टाइम, हा हा हा। तो भैया इनडायरेक्टली जो है ये टारगेट कर रहा है सोल को, बिकॉज आप सबको पता होगा सोल की टीम जो है लगभग 10th एंड 12th के बीच में रह जाती है जब भी ये ग्लोबल टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं, एंड ये टारगेट वही कर रहा है। ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि फनाटिक एंड एनटीटी, मैं मानता हूँ फनाटिक एंड एनटीटी जो है वन ऑफ द बेस्ट टीम है, मैं पर्सनली बोलता हूँ अगर मेरी फेवरेट टीम होगी तो शायद से फनाटिक एंड एनटीटी है फिलहाल के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि सोल टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है या फिर सोल टीम हमेशा ही चौक करती है। एंड ये कहना, ये टोंट मानना कि भाई 12th प्लेस पे जाके वो लोग रुक जाते हैं, दैट्स वेरी बैड, लाइक लिटरली ये बहुत ही बुरी चीज़ एंड बहुत ही नॉनसेंस चीज़। मेरे को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि इस लौंडे को क्यों क्या समझ में आया कि उसने ये सब लिखने चालू कर दिया। टायर्ड ऑफ यू ऑल टॉक्सिक एस इंडियंस प्ले एशिया सर्वर वेयर बेटर देन NA सर्वर, देन वेन एवर आई से समथिंग इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड टू यू टॉक्सिक लिटिल किड्स, इट्स फनी राइट, नो इट्स नॉट फनी ब्रो,
जो भी वो लोग बोल रहे हैं कि भाई एशिया सर्वर खेल, एनी सर्वर जो है वो एक्चुअली बॉट लोबी है, बॉट सर्वर है, वो टोटली ट्रू कह रहे हैं। बिकॉज आप सभी को पता होगा कि जो एनए की पब्लिक है वहाँ पे, अगर आप गेम प्ले जाके देखोगे, आप इजीली कॉन्करर पहुँच सकते हो। अगर पिंग का इशू नहीं होगा ना, तो आप इजीली जितना एशिया में हम लोग मरवाते हैं ना अपनी कॉन्करर पुश करने के लिए, उसका आपको लगभग 10-20% या 30% ही मेहनत करना पड़ेगा, आप एनी सर्वर में कॉन्करर आराम से पहुँच जाओगे। एंड भाई तू जिसको बोल रहा है ना टॉक्सिक लिटिल किड्स, इंडियंस टॉक्सिक लिटिल किड्स, तो भाई तेरा जो चैनल चल रहा है ना वो सिर्फ इसी बदौलत चल रहा है कि भाई यहाँ पे जो जो ये इंडियन टॉक्सिक किड्स है ना, वो उनके कारण से ही तेरा चैनल बढ़ा हुआ है। ये जो इंडियंस है, हम इंडियंस है, हमारे कारण ही तेरा चैनल बढ़ा हुआ है। एंड जब एक बार तेरा चैनल ग्रो हो गया, मोनेटाइज हो गया, उसके बाद जो है तूने डायरेक्टली बोलना चालू कर दिया कि भाई टॉक्सिक इंडियन ये एंड वो। You all are so dumb. You say Mortal is better than Paraboy and other players who are far better than him. I totally agree with that. ठीक है, एंड अगर आपको पता होगा Mortal ने भी आज तक ये कभी शायद बोला नहीं होगा कि मैं जो है बाकी प्लेयर्स बेस्ट हूँ या फिर मैं इंडिया का नंबर वन प्लेयर हूँ। नो नो बडी सेट दैट। ये जो है उसकी फैन बेस है जो बोलती है कि Mortal अच्छा है, बट क्या तुमने Mortal से कभी सुना है? क्या Mortal ने कभी सामने से आके बोला कि भाई मैं दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर हूँ या फिर मैं इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर हूँ? नहीं, वो कभी भी नहीं बोलता। अगर उसको भी तुम जाके पूछ लोगे Mortal को भाई इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, वो खुद उसने बोला हुआ है कि आई थिंक स्काउट इंडिया का बेस्ट प्लेयर है। तो वो खुद जब अपना नाम नहीं ले रहा है, तो तुम ये क्यों समझ रहे हो कि भाई यू ऑल आर सो डम, यू से Mortal इज बेटर? भाई वो फैन बेस है, वो बोलेंगे, उनके लिए Mortal बेटर है तो Mortal को बेटर ही बोलेंगे ना ब्रो। हम जानते हैं कि पैराबॉय बहुत अच्छा खेलता है, Mortal का गेम प्ले उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का पैराबॉय का है, बट वी रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज गेम प्ले, बिकॉज ऑफ हिज थिंकिंग, बिकॉज ऑफ हिज हम्बलनेस, राइट? तो इसके लिए हम एज अ फैन ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे इसका एक और पॉइंट है, सोल्डर्स गुड इन स्क्रिम्स, यू ऑल चीयर अप देन ऑन लाइक क्रेजी, बट वेन दे डाई द सेम एग्जैक्ट पीपल हु आर चीयरिंग फॉर सोल विल स्टार्ट हेटिंग सोल एंड कॉलिंग देम थ्रैश। It's kind of funny how toxic that is. Yes, we all know because that is our Indians. And मैंने इस चीज़ को लेके बहुत बार टॉपिक कवर भी करा हुआ है कि जो हमारी टॉक्सिक है, जो इंडियन लोग जो देखते हैं, बच्चे लोग, they are very toxic. But that's our people, that's our public. उनको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो अच्छा बोलेंगे, जब उनको कुछ चीज़ बुरी लगेगी वो बुरा बोलेंगे। दैट्स हाउ इट इज़। वो आज से नहीं है, वो जब से PUBG स्टार्ट हुआ है तब से यही सीन है कि अगर Mortal अच्छा करता है तो Mortal की जय जयकार होती है, अगर स्काउट अच्छा करता है स्काउट की जय जयकार होती है, अगर Jonathan अच्छा करता है तो Jonathan की जय जयकार होती है। जो भी टीम अच्छा खेलता है हम उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो टीम अच्छा नहीं खेलती है हम उसके बारे में बुरा भरा बोलना चालू कर देते। वो आज से नहीं है, ठीक है। ये टॉक्सिसिटी जो है, ये बात को मैं एग्री करूंगा, बट ये टॉक्सिसिटी जो है वो हम लोगों ने खुद ही फैले हुई है। एंड इस चीज़ के लिए मैंने बहुत बार ये टॉपिक भी कवर करी हुई है। एंड आई होप गाइस ये सब देखने के बाद एटलीस्ट अब जो है यूनाइट हो जाओ, ठीक है। बिकॉज जितने भी बंदे हैं, Mortal हो गए, स्काउट हो गए, Jonathan हो गए, एंटिटी, फनाटिक, सोल, 8-bit, जितने भी टीम्स हैं वो सब अपने टीम्स हैं, राइट? दैट्स अ इंडियन टीम। अगर कोई इंडियन टीम परफॉर्म कर रही है तो सपोर्ट करो उस इंडियन टीम को, राइट? अगर सोल अच्छा करती है हम सोल को सपोर्ट करते हैं, अगर फनाटिक अच्छा करेगी विल सपोर्ट फनाटिक, एंटिटी अच्छा करती है हम लोग एंटिटी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज सोल ने अच्छा नहीं खेला तो हम बोलना चाहेंगे भाई सोल बकवास खेल रही है या फिर फनाटिक बकवास खेल रही है या फिर एंटिटी बकवास खेल रही है, 8-bit बकवास खेल रही है। ये करना बंद करो, ठीक है। एंड ये जो कर रहे हैं जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, एंड उन बच्चों के कारण जो है हमारा नाम खराब हो रहा है इन टट्टों की वजह से, जो 6 टट्टे ना ऐसे इन लोगों की वजह से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे उसने एक और चीज बोला, यू नो व्हाट्स फनी, द ओनली पीपल मैड इन माय डीएम्स आर इंडियंस, व्हाट, एवरी सिंगल अदर रीजन इज अग्रीइंग विद मी। तो भैया मेरे को एक चीज बता, यहाँ पे दूसरे रीजन की कौन लोग हैं जो तेरे को अग्री करते हैं? जितने लोग तेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो भी इंडियंस हैं, जो तेरे के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं वो भी इंडियंस हैं। मैं समझ सकता हूँ अगर तू अपना, अगर ये खोल के देखेगा, लाइक क्या बोलते हैं उसको, डेमोग्राफिक अगर तू खोल के देखेगा तो शायद तेरे को समझ में आ जाएगा कि तेरे को, आई जहाँ तक मेरी सोच है, ठीक है, मोर देन 60-70% सब्सक्राइबर्स जो है वो इंडियंस होंगे, बाहर के बंदे नहीं होंगे। तो ऑफकोर्स हम लोग डिसअग्री करेंगे ना उस चीज़ को लेके, अगर तुमने कुछ चीज़ गलत बोली है तो वी विल डिसअग्री अबाउट दैट, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग ब्रो। सो गाइस जितने लोग भी सब्सक्राइब किए हो या सिक्सलेस को, इसका माइंडलेस जो भी इसने बातें बोली है मुझे माइंडलेस लगी, कुछ चीज़ें ठीक थी सही थी बट बाकी चीज़ें जो है मुझे माइंडलेस या फिर यूजलेस लगी है इस चीज़ को लेके। एंड गाइस अभी एक और टॉपिक है, रूट सेब ने एक वीडियो बनाई थी 2 या 3 दिन पहले, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले,
जहाँ पर उसने बोला था सोल एंड लेग स्टंप का जो एक कंट्रोवर्सी हुआ था, जो लेग स्टंप की टीम है वो बार बार सोल को मार रही थी उनके हॉट ड्रॉप पे उतर के, लाइक जो उनका ड्रॉप पॉइंट था सोल का एग्जैक्टली वहीं पे उतर के वो लोग जो है लेग स्टंप जो है वो उसको मारने की कोशिश कर रही थी, या फिर मार रही थी बार बार सोल की टीम को, एंड फ्रस्ट्रेशन में आके, बिकॉज ये जो है ये एक स्क्रिम्स था, प्रैक्टिस स्क्रिम्स था, जहाँ पे कि जो है सोल को प्रैक्टिस करनी है, जो बाकी की टीम से भी है उनको भी प्रैक्टिस करनी थी, एंड बार बार लेग स्टंप एक ही उनके ही ड्रॉप लोकेशन पर आके उनको पेले जा रहा था। एंड उसके बाद जो है अमन हो गया या फिर वाइपर हो गया, वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि भाई मैं जो है इस टीम को जो है यहाँ से निकाल लेता हूँ, एंड आज के बाद जो है ये लोग यहाँ पे खेलेंगे नहीं, इसका समय नहीं खेलेंगे। तो यार मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा, ठीक है, देखो भले ही वो ड्रॉप लोकेशन तुम्हारा था, लेकिन तुम दोनों साथ में कूद रहे थे, साथ में जा रहे थे, साथ में ड्रॉप आउट कर रहे थे, ये उनका ये था कि भाई वो एटलीस्ट पहले उतर रहे थे एंड पहले गन फाइट में वो लोग जीत रहे थे, ये आपका फॉल्ट था कि आप लोग ड्रॉप पहले नहीं कर पा रहे थे। मैंने जहाँ तक देखा कि जो ड्रॉप है, जो फ्लाइट ड्रॉप होती है, जो पैरासूट से ड्रॉप करते हैं, दे वेर वेरी फर्स्ट, वो उतर के गन लेके आके मार रहे हैं एंड आप लोग स्टिल गन ढूंढ रहे हो, तो ये जो है ये आपका फॉल्ट है जिसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, टेक इट इन ए पॉजिटिव वे, कि मान लो अगर आप अपने ड्रॉप लोकेशन पे टूर्नामेंट में भी कूदते हो तो आप कैसे रेडी रहोगे टैकल करने के लिए या फिर फाइट बैक करने के लिए, तो टेक इट एज अ पॉजिटिव वे, डू नॉट जस्ट गो अहेड एंड हेट समबडी बिकॉज वो आपको बार बार मारे जा रहा है, टेक इट इन ए पॉजिटिव वे, दैट्स वॉट मैं बोलना चाहूँगा। एंड लेग स्टंप देखो यार, मुझे भी पता है कि तुम एक छोटी टीम हो या फिर एक अननोन टीम हो, एंड तुमको भी अपना नाम रोशन करना है, या फिर मेरी टीम होगी, कोई भी टीम दूसरी होगी, उसको भी अपना नाम रोशन करना होता है कि भाई वो अगर कोई बड़ी टीम को मारती है तो फिर उसका नाम आगे बढ़ता है, एंड दैट्स वॉट दे वर डूइंग, दे वो लोग वही करने की कोशिश कर रहे थे, विच वॉज अगेन रॉन्ग, आपने एक बार करा ठीक है, दो बार करा ठीक है, बट दे वर कंटिन्यूसली डूइंग इट, जहाँ तक स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, बिकॉज लोगों ने मुझे कमेंट में आके बोला हुआ डिस्कॉर्ड पे कि भाई वो लोग जो है कंटिन्यूसली ऐसा कर रहे थे कि जितने भी उनका जो हॉट ड्रॉप है, जो ड्रॉप पॉइंट है, वो हर एक ड्रॉप पॉइंट पे लेग स्टंप वाले ही कूद रहे थे एंड मोटर को मार रहे थे, ठीक है, विच वॉज नॉट राइट, एक दो बार आपने कर लिया आपका हो गया, दैट शुड हैव लाइक वो उतना ही होना चाहिए था, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था, बट लेग स्टंप वालों ने भी कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। सो मुझे यहाँ पे लगता है गलती किसी के भी नहीं है, लेग स्टंप को अपना नाम बनाना था, तो इसके लिए वो लोग जो है मोटल को बार बार टारगेट कर रहे थे या फिर सोल को टारगेट कर रहे थे, एंड सोल की टीम इसके लिए फ्रस्ट्रेट हो रही थी बिकॉज वो लोग जो है बार बार एक ही टीम से मर रही थी, ठीक है, बट फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ भी बोल देते हो, रेज में आप कुछ भी बोल देते हो, बट ये बोलना कि भाई मैं उस टीम को यहाँ से निकलवा दूंगा, उनको मैं कस्टम नहीं खिलवाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है दैट वॉज नॉट राइट, ठीक है, बिकॉज आप उसको एज अ पॉजिटिव थिंग ले सकते थे, टेक इट इन अ राइट वे कि भैया टैकल हम कैसे करेंगे, अगर यही टीम बार बार हमारे पास आ रही है, यही टीम बार बार हमें कूद के मार रही है, तो हम इसको टैकल कैसे करेंगे, बिकॉज टूर्नामेंट में भी यही हो सकता है, राइट, मेरी थिंकिंग ऐसी है। सो गाइस आपकी थिंकिंग क्या है, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, एंड लव यू ऑल गाइस, एज ऑलवेज पीस आउट।